दो परिवारों के बीच कई दिनों से चली आ रही कहासुनी बड़े विवाद में तब्दील हो गई। मामला जबलपुर के सुहागी इलाके का है, जहां नगर निगम के आवासीय योजना परिसर में रहने वाले परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। दो परिवारों के बीच कई दिनों से चली आ रही कहासुनी बड़े विवाद में तब्दील हो गई। मामला जबलपुर के सुहागी इलाके का है, जहां नगर निगम के आवासीय योजना परिसर में रहने वाले परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडों से लैस होकर एक परिवार ने दूसरे परिवार की महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी। महिला का आरोप है कि उसके मकान की चौथी मंजिल में रहने वाले परिवार के द्वारा आए दिन उसके ऊपर कचरा और अन्य सामग्री फेंकी जाती है। कई बार इसका विरोध भी किया गया, लेकिन वे नहीं माने और पिछले दिनों जब उन्हें कचरा और अन्य सामान ऊपरी हिस्से से न फेंकने की हिदायत दी गई, तो बात परिवार को नागवार गुजरी और एक राय होकर उन्होंने महिला पर हमला बोल दिया। महिला से मारपीट का वीडियो इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला के साथ न केवल झूमा झपटी की जा रही है, बल्कि उसे मारा पीटा जा रहा है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत आधारताल थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से हताश होकर महिला एसपी ऑफिस पहुंची। महिला ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैं रितु सिंह राजपूत सुहागी पन्नी मोहल्ला आवासीय योजना ब्लॉक में रहती हूँ। जिनके साथ विवाद हुआ वो चौथे ब्लॉक पे रहते हैं, मैं नीचे रहती हूँ। जिनके द्वारा आए दिन ऊपर से कोई ना कोई सामान फेंकना, मेरे बच्चों को इससे नुकसान होता है। बोलने पर विवाद हुआ, विवाद थोड़े से अधिक हो गया, उनने हमारे साथ गाली गलौज के साथ मारपीट करना शुरू किया। पूरा परिवार चार लोग मिलकर हमको मारे पीटे, हाथापाई हुई, डंडा से मार हुई है। मैं चाहती हूँ शासन द्वारा उन पर कोई कार्यवाही की जाए और मुझे न्याय मिले। मैंने शिकायत 10 तारीख को ही रात में 9:30 बजे शुक्रवार का दिन 10 तारीख 6 बजे की ये घटना है। हम ज़्यादा हमारे ऊपर घटना हो जाने से विक्टोरिया रिफर हो गए थे। हम वहाँ से इलाज होने के बाद हम वापस थाना गए, जिसमें 9:30 का टाइम हो चुका था। हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई पर हम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा उनने ही हमारे ऊपर केस कर दिया। आप हमारी चोटें देख सकते हैं कि हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ कैसा उनने व्यवहार किया हुआ है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मुझे और मेरे साथ और भी महिलाओं को उनसे राहत मिलनी चाहिए और उनको हिरासत में लिया जाए। जी, वो सादे बदमाश हैं, आए दिन कोई ना कोई उनसे परेशान ही रहता है। वो इस पर मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि वो सबको डरा धमका के रखते हैं, इससे उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि उन पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए।